आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लेखा शास्त्र की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी, मतलब लेखा शास्त्र का मतलब होता है लेखांकन की एक विशेष शाखा, जिसमें हम लेखांकन यानी बिजनेस में जो व्यवसाय बनिया वगैरह रखी जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखा शास्त्र एक विशेष क्षेत्र है जिसमें लेखांकन, पुस्तपालन वगैरह सब शामिल होते हैं। आजकल क्या है कि व्यवसाय बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले क्या था, व्यापार बहुत छोटे छोटे थे, तो लोग कम लेन देन की वजह से अपने दिमाग में भी याद रखते थे कि, लेकिन अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन व्यापार की क्रियाएं बढ़ रही है, क्योंकि याद करने की क्षमता तो हमारी सीमित होती है, इसलिए अब धीरे धीरे हमको लेखांकन की आवश्यकता पड़ी। हमारे पुराने जो महाग्रंथ है, पुराने उपनिषद है, उनमें भी लेखा शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस लिखी हुई है, उसमें भी लिखा हुआ है लेखांकन के विषय में, अलग से उन्होंने एक पाठ बनाया हुआ है और उसमें एक दोहा भी लिखा हुआ है कि पहले लिख पीछे दे और फिर भूले तो कागज पे दे। यानी पहले अपन को लिख देना चाहिए, बहुत समय बाद अपन को याद नहीं हो इसलिए अपन को एक कागज पे उतार देना चाहिए, ताकि अपन को बाद में जो पढ़े तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेखा शास्त्र में फिर लेखा शास्त्र के तीन भाग होते हैं, एक पुष्पालन, दूसरा लेखांकन, तीसरा अंकेक्षण होता है। पुष्पालन का मतलब होता है कि प्रारंभिक वहियों में लिखना, जैसे जर्नल बनाते हैं अपन, उसमें प्रारंभिक लिखते हैं, जो सामान्य व्यवहार होते हैं ना, जैसे आज माल खरीदा, ग्राहकों को दिया वगैरह, वो सारे अंक पुष्पालन में करते हैं। दूसरा भाग होता है लेखांकन में पुष्पालन करने के बाद में अपन उन सब अकाउंट के अपन सारांश निकालते हैं, फिर उन सब का एक पेज पर हम तलपट बनाते हैं। तलपट मतलब सारे खातों के आगे उनके शेष लिखे होते हैं, इस खाते में इतने रुपए, इस खाते में इतने रुपए, फिर उससे अपन व्यापारी खाता बनाते हैं, लाभानी खाता बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सब हम काम करते हैं पुष्पालन में। और वही बैलेंस शीट वगैरह हम सरकार को जमा करवाते हैं उनके ऑडिटिंग के लिए, उसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे लेनदार है वो हमारी बैलेंस शीट देखते हैं कि इस कंपनी के कितने लेनदार हैं, कितना प्रॉफिट कमाया है, इसके पास कितनी संपत्ति है, ये उनके काम आती है, कर्मचारियों के काम आती है, ताकि वो ये अनुमान लगा सके कि हमें हमारी कंपनी को कितना लाभ हुआ है, हमें उस प्रॉफिट में से कितना हमको मिल रहा है। कंपनी की सरकार उस बैलेंस शीट का काम में लेती है कि उनको पता चल जाए कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उसके काम की वजह से देश में उसका विकास में उसकी कितनी योगदान है वगैरह, और उस कंपनी की जो नीतियाँ हैं वो लोग हित के विरुद्ध तो नहीं है। ये सब काम ये लेखांकन के जो हम बैलेंस शीट व्यापार खाते बनाते हैं उसका उपयोग सरकार और जो भी कंपनी के जिनका लाभ होता है वो सब उपयोग में रहते हैं। अब लेखांकन के प्रकार, लेखांकन एक प्रकार का नहीं है, लेखांकन के कई भाग किए हुए। पहले क्या होता था कि सबके छोटे छोटे बिजनेस होते थे, तो नॉर्मली लेन देन होता था, जैसे गाँव में कोई व्यापार करता है, दूध वाला है तो वो सबको दूध दे देता है, तो किसान खेती करता है वो उसको बदले में अनाज दे देता है, तो बस वो विनिमय करती है, तो उस टाइम इतनी लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने व्यवसाय बढ़ा दिया, उसके बाद में फिर उनको लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर लेखांकन के भी पार्ट होते हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंध लेखांकन है, सामाजिक लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में तो सब सामान्य होता है, जैसे हम जो ये पूरा काम करते हैं ना, जैसे पुष्पालन एंट्री करना, फिर हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर उससे हम तलपट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट वगैरह बनाते हैं, वो सब काम वित्तीय लेखांकन मतलब वित्तीय मतलब पैसों का काम होता है, वो सारा वित्तीय लेखांकन है। फिर दूसरा है लागत लेखांकन में क्या होता है, धीरे धीरे व्यवसाय अब इतना बड़ा हो गया है कि पहले क्या होता था कि कोई कंपनी से क्ले की सामान बनाती थी ताकि क्या उसको लागत कम आ जाए और वो सारा सामान बेच दे, लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार लोगों की पसंद है ना वो जल्दी जल्दी बदल गई, इसलिए सरकार यूँ नहीं है कि एक साथ पूरा
पूरा प्रोडक्शन कर ले फिर उसको बेचना ही है। धीरे धीरे जो जो समय परिवर्तन हो रहा है जो माल पसंद है वो चेंज होती जाती है। तो अब सरकार को क्या करना पड़ता है, प्रत्येक यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है वो भी बनने के साथ ही, ताकि वो उसको जल्दी से बेच सके। यूँ नहीं हो कि वो बाजार में व्यवसाय में अनुसंधान करके मार्केट में पूरा बनाए फिर बेचे, इतने लोगों की पसंद चेंज होता है तो उनका माल कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, जैसे उनका काम स्टार्ट होता है वो प्रत्येक वस्तु की यूनिट निकालती है कि एक वस्तु इतने में पड़ेगी, इसलिए उसको लागत लेखांकन भी करना पड़ता है। उसमें सिर्फ वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य वही होता है कि माल की प्रति इकाई लागत ज्ञात। तीसरा है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन इतने आवश्यक है कि व्यवसाय इतना बड़ा हो गया है कि सरकार बहुत सारी सूचनाएं होती है, उस रिपोर्ट की फाइल दो, ट्रायल बैलेंस है, कर्मचारियों के काम करने का तरीका, उनकी कुशलता की रिपोर्ट है, व्यवसाय में बड़ी मशीनरी का लेखा है। इसलिए जो प्रबंधक होते हैं ना उनके पास में इतनी सारी सूचनाएं होती है कि वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि प्रबंध लेखांकन करके उसमें नीचे जो कर्मचारी होते हैं ना उनके वो बहुत सारी सूचनाओं का विश्लेषण करके और एक उनको मेन समस्या होती है वो उनके सामने रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और वो उस समस्या के हिसाब से निर्णय लेते हैं। इनमें सबसे मेन काम होता है सूचना प्रणाली के अनुसार जो भी उनके पास मेन प्रॉब्लम होती है वो उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। फिर है सामाजिक लेखांकन। व्यवसाय के समाज का एक हिस्सा माना जाता है, पहले नहीं माना जाता था लेकिन अब माना जाता है। धीरे धीरे व्यवसाय की कार्य करने की पद्धति चेंज हो रही है। पहले क्या हो रहा था, इस व्यवसाय का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था लाभ कमाना, लेकिन अब लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है सिर्फ, उनका उद्देश्य है कि लाभ समाज के हितों के साथ लाभ करना। समाज के हितों के साथ लाभ कमाने का मतलब है क्योंकि व्यवसाय चलाना एक अकेली कंपनी का काम नहीं है, उसमें समाज की भी हिस्सेदारी होती है। जैसे कंपनी को जो कच्चा माल है वो किसान खेत में उगाते हैं, कर्मचारी होते हैं वो समाज का हिस्सा होते हैं, उनकी आपूर्ति है वो समाज का हिस्सा होता है, मैं जो कंपनी चलाते हैं वो भी एक समाज का हिस्सा होते हैं। इसलिए कंपनी समाज से बहुत सारी चीजें लेती है, जैसे उनके कर्मचारी वगैरह, और बदले में उनको फिर वो धुआं होता है फैक्ट्री से, गंदा पानी निकलता है, उसकी वजह से उनकी सामाजिक दायित्व भी बनने लगा है। अब इसका महत्व बढ़ने लगा है सामाजिक लेखांकन का। तो इसमें कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा वो समाज की भलाई के लिए खर्च करती है। जैसे कि आजकल कंपनियां बच्चों के लिए स्कूल खोल रही है, वो गांव के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है, इसलिए इसका भी लेखांकन करते हैं। इसमें सिर्फ कंपनी द्वारा समाज के लिए जो कार्य किया गया उसका लेखांकन करते हैं। अब है लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन में बहुत सारी अवधारणाएं काम करती है। अवधारणा का मतलब होता है हमारे किसी के प्रति विचार। जैसे अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, जैसे हाथी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि बड़ा सा शरीर है, उसके चार पैर है, उसकी सूंड है, वो अवधारणा होती है। किसी के बारे में सोचने से हमारे दिमाग में जो जो चीजें सम्मिलित होती है उसे अवधारणा कहते हैं। तो लेखांकन की भी अवधारणा है जिसमें ये उसके सिद्धांतों को नियमों के अनुसार बनाई गई। जैसे व्यावसायिक इकाई, लेखांकन व्यवसाय होता है वो उसका एक अलग अस्तित्व होता है, जो मालिक होते हैं वो उसके व्यवसाय के अस्तित्व में शामिल नहीं होता है, व्यवसाय भी एक कृत्रिम अस्तित्व होता है। जैसे अब मालिक पैसे लगाता है तो वो एक व्यवसाय में उसकी एंट्री अलग लेनदार के रूप में होगी। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का एक खुद का अस्तित्व है, वो उसके मालिक उसके अस्तित्व में उसकी वजह से पहचाना नहीं जाता है कि राम कुमार की कंपनी है तो कि राम कुमार के खाते में 1,00,000 रुपए, ऐसे नहीं होता है। उसकी खुद के अस्तित्व की वजह से उसकी एक लेनदार के रूप में एंट्री होती है कि उसने एक 1,00,000 रुपए दिए, उसके बदले में उसको समय समय पर ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए व्यवसाय का खुद का अस्तित्व होता है। और उसके मालिक के मरने वगैरह से उसके व्यवसाय में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी मुद्रा मात्र लेखांकन में क्या होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं लेकिन हम लेखांकन सिर्फ उनका ही करते हैं जो जिसमें हम मुद्रा में माप सकें, इसलिए मुद्रा मापन किया जाता है। जैसे कर्मचारी की ईमानदारी है, कुशलता है, उसको हम मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते, इसलिए हम उसका लेखांकन नहीं कर सकते।
कई लेखांकन करते हैं जिसकी मुद्रा के रूप में मापन होता है। तीसरा है चालू व्यवसाय। लेखांकन व्यवसाय में हमेशा ये माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, यूं नहीं कि 5-10 साल में बस पूरा हो जाएगा। लेखांकन का एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि वो समाज में रहते हुए काम करेगा लेखांकन। इसलिए संपत्ति खरीदी है उसके लेनदार भी बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। लेखांकन की इसी अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि ये स्थायी संपत्ति है, ये चालू संपत्ति है। स्थायी संपत्ति चालू संपत्ति की जो अवधारणा है वो लेखांकन चालू लेखांकन की वजह से ही होती है। क्यों? जैसे स्थायी संपत्ति का मतलब होता है जो 10-15 साल तक चले, और चालू संपत्ति जो एक साल में आती जाती रहती है उसको चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे कैश है वो आता जाता रहता है, स्टॉक है वो भी आता जाता रहता है, खरीदते हैं हम सामान बनाते हैं बेचते हैं तो वो चालू स्टॉक हो जाता है। क्यों? एक साल में वो परिवर्तित होता रहता है। हम जैसे व्यवसाय में बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदते हैं वो तो हर साल ही खरीदते हैं ना, वो तो एक साल ही खरीदते हैं। इसलिए चालू व्यवसाय के अनुसार हम जब खरीदते हैं उसकी एंट्री कर देते हैं और फिर लास्ट साल के अंत में उसका मूल्यह्रास घटा देते हैं ताकि हम लास्ट में अच्छे से लाभ हानि निकाल सकें। लेखांकन की चौथी अवधारणा है लेखांकन अवधि। यानी लेखांकन तो लंबे समय तक चलेगा, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन लेखांकन का अपन जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से जो क्रिया करते हैं उसका लाभ भी देखना पड़ता है कि व्यवसाय में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसलिए लेखांकन की एक दर भी बनाई जाती है जो सामान्यतः 1 साल की होगी, 12 महीने या ज़्यादा करें तो 15 महीने की भी होती है। नॉर्मली हमारे भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 1 वर्ष माना जाता है। तो लेखांकन की अवधि में 1 वर्ष के अंदर में फिर हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि 1 साल में हमने जो व्यापार की नीतियाँ बनाई हैं, हमने जो प्रबंध लेखांकन के अनुसार जो निर्णय लिए, लागत निकाली है, उसके अनुसार हमको लाभ हुआ या हानि हुई है। ये हो गई लेखांकन की अवधि। अब लेखांकन की परंपरा। लेखांकन की जो अवधारणाएं होती है ना वो नियमों सिद्धांतों वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन लेखांकन की परंपराएं इनको नियमों सिद्धांतों के ऊपर नहीं बनाई गई। ये तो एक सदियों से चली आ रही, लोगों की आपसी समझ की वजह से चली आ रही है परंपराएं होती है। जैसे पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, इसमें क्या होता है कि व्यवसाय जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें उनको महत्वपूर्ण पक्ष को दिखाना पड़ता है। जैसे अब कंपनी में कोई केस चल रहा है वो उसका दायित्व तो नहीं है, उससे अभी कंपनी को कोई हानि नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भविष्य में हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट लिखते हैं ना वो हम आगे बढ़ेंगे तो उसके नीचे वो संदिग्ध बोलते हैं उसको, क्योंकि अभी तो है नहीं, भविष्य में हो सकता है, हो सकता है मतलब संदिग्ध है, इसलिए उसको फुट नोट में दिखाते हैं। महत्वपूर्ण पक्ष की अवधारणाएं होती है, यानी व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण पक्ष का अपन को लिखना चाहिए। जैसे कंपनी की संपत्तियां कितनी है, उसके दायित्व कितने हैं, लेनदार कितने हैं, स्थायी लोन कितने हैं, उनके बदले में सिक्योरिटी कितनी दी हुई है, चालू संपत्ति कितनी है, बैलेंस कितना है वगैरह वगैरह। तीसरी है रूढ़िवादी अवधारणाएं। रूढ़िवादी अवधारणाएं का मतलब होता है कि हम मान के चलते हैं कि हमको लाभ हो मत भले मत हो लेकिन हानि जरूर होगी, ये अवधारणा है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले से सभी के लिए हम प्रबंध करके चलते हैं। जैसे एक हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन की जो अपन मूल्यह्रास घटाते हैं ना उसके लिए अपन एक अलग से खाता बना देते हैं कि उसमें से प्रत्येक साल थोड़ी थोड़ी राशि कम कर दी जाएंगे, दूसरे खाते में डाल दी जाएंगे। जब हमारी वो मशीन बिल्कुल खराब हो जाएगी तो हमने जो थोड़े 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 करके पैसे निकाले उससे हम नई मशीन निकालेंगे, और उससे क्या होगा, व्यवसाय के जिस वक्त से अपन ये करते हैं उससे उसके लाभ आने पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अचानक से हम इतने सारे पैसे निकाल के व्यवसाय से मशीन खरीदे तो व्यवसाय की उस साल की पूरी स्थिति डाउनलोड हो जाती है। इसलिए अपन को रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार लाभ हो बोले मत हो लेकिन अपन को हानि के लिए प्रबंध हमेशा करके चलना पड़ता है। अब इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी हम लेखांकन की रूढ़िवादी परंपरा में ही करवाते हैं। ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ा।